मसीह में मेरा सबको सलाम। और आज के हम जो वीडियो लेकर आए हैं, मेरे जानने वालों ने मुझे वीडियो भेजी है, जिसमें एक हमारे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनके कुछ क्लिप्स लेते हैं। और कुछ एक क्लिप्स हैं जिसमें बताया गया कि मोहम्मद साहब के पास जब मौत का फरिश्ता आया तो उसने किस तरह मोहम्मद साहब से बात की, तो हम उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो बहनों और भाइयों, ये जो आज की वीडियो है, इसको देख कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो टीचर्स या स्कॉलर्स या मुफ्ती ये जो भी मैसेजेस देते हैं उसमें कितना सच होता है, कितना झूठ होता है। और मेक श्योर के इसको आखिर तक आप वीडियो को देखिएगा, ताकि स्टोरी का रिजल्ट आपको पता रहे। कि जैसे आप एक ड्रामा देखते हैं, अगर आप शुरू से ये मिडल में देखते हैं तो आपको उसका एंड का नहीं पता लगता, क्योंकि ये एक स्टोरी है। जब्राइल फरिश्ता या मौत का फरिश्ता जब मोहम्मद के पास आया तो ये स्टोरी बनी, तो स्टोरी का एंड क्या है। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। अपने कमेंट्स अगर आपने देने, कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक मैसेज देना कि कुरान क्या कहती है, हदीस क्या बोलती है, बाइबल क्या बताती है। बाकी आपकी मर्जी है उसको किस तरह उसको समझना चाहते हैं। बाकी हम आपको कभी भी गलत स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो बहनों और भाइयों, चलिए पहले हम इस वीडियो के क्लिप को देखते हैं और फिर क्लिप को देखने के बाद हम आपसे बात करते हैं। वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रुख्सत कर दिया। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहते। मौत का फरिश्ता अंदर आया और आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने कहा पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। बहन और भाई, आपने ये वीडियोस का क्लिप देखा, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। और अगर मैं मुसलमान होता या मैंने कुरान ना पढ़ी होती, हदीसें ना पढ़ी होती या बाइबल नहीं पढ़ी होती, मैं भी इस बात पे यकीन कर लेता। तो बहनों और भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये फैंटेसी स्टोरी है, स्टोरी के अलावा कुछ नहीं है। जब आप भी इसको देखेंगे तो आप भी यही फील करेंगे, अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो। अगर आपके जहन में ये है कि ये इस्लाम के खिलाफ है या इस्लाम की नज़र में गलत है, तो बहनों और भाइयों, उसमें हमेशा आप कभी भी रॉन्ग या राइट का डिसीजन नहीं ले सकेंगे। इस जब वीडियो को देखें तो न्यूट्रल होकर देखिए कितना झूठ बोला। और यही वजह है आज हमारे मुस्लिम उम्मा में या इस्लाम में जो लोग हैं, बेशक वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, अमेरिकन हो, स्पेनिश हो, कोई भी कौम से, किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक हो, अगर आप उनको ये स्टोरी सुनाएंगे तो वो आंखें बंद करके बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि ना तो उनको कुरान के बारे में, हदीसों के बारे में या बाइबल के बारे में उसको मालूम है, तो बिलीव कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि मोहम्मद साहब को पहले ही एक आइडिया हो गया था कि उनका दुनिया से जाने का टाइम आ गया है। भाई और बहनों, हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी इंसान को भी ये नहीं मालूम कि एग्जैक्ट टाइम कब हो जाएगा। और यही बात मोहम्मद के बारे में भी है कि उनको भी नहीं पता था। एक हम वीडियो बनाएंगे मोहम्मद की मौत के ऊपर, कि मोहम्मद की जब मौत हुई है उनको खुद पता नहीं था कब मरेंगे वो। तो स्टोरी में ऐसा ही लग रहा है, उन्होंने सबको निकाल दिया, जिब्राइल फरिश्ता आके बैठ गया। और अभी जिब्राइल फरिश्ता आके बैठा ही था तो इतनी देर में मौत का फरिश्ता आ गया, इजाजत चाहता है अंदर आने के लिए। अब फरिश्ते को इजाजत की क्या जरूरत है, लेकिन क्योंकि एक स्टोरी है, फैंटेसी है। अब आप बॉलीवुड की मूवीज देखें, हॉलीवुड की मूवी देखें, और उसको ट्विस्ट करके उसको इतना में चीजें मसाले डालते हैं कि वो मार्केटिंग उसकी अच्छी हो। मौत का फरिश्ता आया और इजाजत चाहता है अंदर आने के लिए, मोहम्मद साहब उनको इजाजत देते हैं, क्योंकि वो बगैर इजाजत के आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ऊपर से हुक्म हुआ है कि भाई आप बगैर इजाजत के नहीं जाइएगा। फिर उसके बाद और उनसे बोलते हैं कि मैंने आपको सलाम किया जो मैंने कभी किसी को किया ही नहीं है। मतलब वो चीजें जो हिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ, वो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और फिर वो बात है कि जब तक आपको किसी चीज का पता नहीं तो आप बिलीव कर लेंगे। शेख फारूक साहब जो डन डिएगो में अक्सर बूथ लगाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग आते हैं अमेरिकन या स्पेनिश, या कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत अच्छा माहौल है, हम शिया सुनी बड़े साथ रहते हैं और क्रिश्चियन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो मैंने बूथ लगाया है क्रिश्चियन भी वहाँ पे बूथ लगा के अपनी तबलीग कर सकते हैं। लेकिन भाई हकीकत में ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि हकीकत में नहीं, वो बेवकूफ बन जाएंगे, लेकिन अगर वो मेरे को ये बात बोलेगा तो मैं उसको यकीनन बोलूंगा कि आप झूठ बोल रहे हो, झूठ है। गोरे जो हैं उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसी तरीके से जब तक आप कुरान को, हदीस को नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जब अगर कोई ऐसी स्टोरी मुझे बताएगा तो मैं बोलूंगा ये फैंटेसी है, सिर्फ स्टोरी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। फरिश्ते जो हैं वो इस तरह इजाजत नहीं लेते, उनका किसी तरीके से इंसान के साथ इतनी देर तक बात नहीं कर सकते। वो खुदावंद के हुक्म को फॉलो करना, ना कि कोई ऑर्डर लेना।
कलाम यही बताता है कि सिर्फ फरिश्तों को बनाया गया है, उनके अंदर सिर्फ यही चीज फीड की, जिस तरह अगर आप किसी कंप्यूटर में एक चीज फीड कर देते हैं तो वो वही करता है जो उसको कमांड आप देंगे। फरिश्तों के पास सिर्फ है खुदावंद के हुक्म को मानना, और किसी का ऑर्डर नहीं लेते वो। कहानी है मौत के फरिश्ते की, ये ना तो कुरान में लिखी है ना ही हदीस में लिखी है कहीं पे। और कोई अगर अच्छा मुसलमान है जो अपने आप को समझता है कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ और उसको नॉलेज है, तो प्लीज़ वो कुरान से निकाल के हमें झूठा साबित करे। बहनों और भाइयों, आइए हम वीडियो क्लिप्स देखते हैं और फिर इसके बाद हम आपके साथ इस पे बात करेंगे। अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जाना चाहें तो मैं आपको ले जाऊँ, और रहना चाहूँ तो मैं छोड़ के वापस चला जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान निकाल लोगे? हाँ जी, निकालूंगा। बहनों और भाइयों, ये जो वीडियो आपने भी देखी है, उनसे इजाजत मांगते हैं कि अगर आपने जाना है तो मैं आपको ले जाऊंगा, अगर आपने रुकना है आपको नहीं लेके जाऊंगा। झूठ मिसलीड कर रहा है। फरिश्तों के पास मौत नहीं वो दे सकते, वो सिर्फ रूह को लेके जा सकते हैं। वो जब बंदा मर जाता है तब आते हैं। ये तो मौत से पहले ही मोहम्मद साहब के पास आ गए कि अगर तुम आप इजाजत दोगे तो मैं ले जाऊंगा, अगर आप इजाजत नहीं दोगे तो मैं छोड़ जाऊंगा। रिश्ते जो बने हैं खुदावंद के ऑर्डर लेने के लिए, यहाँ तो मोहम्मद साहब पूरा होल्ड करके बैठे हुए हैं। अल्लाह भी इनके कंट्रोल में है, रिश्ते भी इनके कंट्रोल में, जो मर्जी चाहे वो कर ले। बहनों और भाइयों, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि खुदावंद मालिक है हर चीज का, वो इंसानों की बातों को नहीं सुनता, वो वही करता है जो उसको करना है। बहनों और भाइयों, आइए हम वीडियो क्लिप्स देखते हैं। मछली खाने पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, पूरे शहर को बंदर बना दिया। मछली खाना कौन सा गुनाह है? अल्लाह ने कहा बस हफ्ते को नहीं खानी, खाओ इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरा, जुमा खाओ, हफ्ता नहीं। और फिर यहाँ पे आप देखें कि जमील साहब ने एक स्टोरी दी है कि कहते हैं कि जी मूसा की कौम ने मछली खाई तो पूरा शहर बंदर बना दिया। और मुफ्ती साहब से ये पूछें कि ये किस बुक या किस किताब से इन्होंने पढ़ के आपको स्टोरी बताई है, तो प्लीज हमें ये इसके बारे में जरूर बताएं। ये वो टाइम नहीं है कि जब आप घोड़े और खच्चरों पे और गधों पे जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको सालों साल लग जाते थे। ये वो टाइम नहीं है कि आपको किसी का मैसेज देने के लिए सालों साल लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप 2 मिनट में आप चीज डालें और सर्च हो जाएगी। तो आप सर्च करें कि कहाँ पर ऐसा हुआ था कि इसराइल का पूरा शहर बंदर बन गया था। जमील साहब, शेम ऑन यू के ऐसी बातें आप अपने लोगों को बताते हैं और वो लोग इस बात को यकीन कर लेते हैं। मेरा यकीन है कि कुछ समझदार लोग हैं जो इन बातों को इग्नोर करते हैं और इन लोगों की बातों में नहीं आते। अब इसराइल आप देख लें, एक छोटी सी कौम है। 3 इसराइल टैक्सेस में आ सकते हैं। इसराइल इतना छोटा सा एक कंट्री है, लेकिन पूरे दुनिया में वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से और फाइनेंशियली हर लिहाज से वो नंबर 1 है। हम यही इन भाइयों और बहनों को बोलते हैं कि इसराइल जो है वो खुदा की प्यारी कौम है, और उसका वादा आप देख लें। इसराइल जो है 29 मुसलमान कंट्रियों के इर्द गिर्द है, लेकिन आज तक उसको कोई मार नहीं सका। इसको कहते हैं खुदा का वादा, ना कि जो मोहम्मद को अल्लाह ने वादा किया हुआ है। तो सोचें बहनों और भाइयों कि आप किस को फॉलो कर रहे हैं। हम आपको दूसरा क्लिप दिखाते हैं, वो आप देखिए, फिर उस पर बात करेंगे। ऐसी मौत मांगो अल्लाह से, जब जा रहे हैं तो अल्लाह खुश हो रहा। मुफ्ती जमील साहब कहते हैं कि ऐसी मौत मांगो जैसे मोहम्मद को आई है, जैसे मोहम्मद को मिली है। तो बहनों भाइयों, मोहम्मद ने जो अपनी उसकी ख्वाहिश थी, वो अपनी उसकी जो डिजायर थी, वो तो पूरी नहीं हुई। जाहिर करते हैं सही बुखारी में 2797 में कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में रास्ते में कत्ल किया जाऊं। देखिए, उन्होंने मांगा है कि मेरी ख्वाहिश है अल्लाह के रास्ते पे लड़ते हुए मेरी मौत आए, वो उनको नहीं मिली। और फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, तो ये उनकी ख्वाहिश थी। अब जैसे मुफ्ती साहब ने बोला कि मोहम्मद साहब जैसी मौत आपको चाहिए, तो बहनों और भाइयों, मोहम्मद साहब की अपनी जो ख्वाहिश थी वो उनको मौत तो नहीं मिली। जब वो एक प्रॉफिट होते हुए जिसके इर्द गिर्द अल्लाह, एंजल्स सब उसके इर्द गिर्द, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो आपकी दुआ कैसे कबूल होगी? हम आपको दूसरा क्लिप दिखाते हैं, वो आप देखिए, फिर उस पर बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाएं और अल्लाह से पूछकर आएं कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या मामला करेगी, फिर जवाब दूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए और फरमाया
साथ दूंगा। आप ये वीडियोस देखिए और कि किस तरह का साथ अल्लाह दे रहा है। तो आइए वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद हम फिर डिस्कस करते हैं कि अल्लाह का जो वादा है मुसलमान कौम के साथ वो अब तक कैसा चल रहा है। और मोहम्मद की दुआएं जैसे बोलते हैं कि मोहम्मद हमारे लिए जाने की इतनी फिक्र थी कि उन्होंने पहले ये सवाल किया कि मेरे बाद मेरी कौम का क्या होगा, तो अल्लाह आपकी कौम का किस तरह साथ दे रहा है। तो आइए कुछ वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद हम बात करेंगे। हॉलैंड में बुर्का पहनने पर मुकम्मल पाबंदी। क्या प्रॉब्लम है, मत जाओ। ओ भैया आपकी अम्मा के जहेज में आया हॉलैंड, तो स्टे पुट। यहाँ रहो। तुम जिस सरजमीन पे हो उसके कवानीन का, उसके कल्चर का एहतराम तुम पे वाजिब है। प्रोफेसर हुसैन को वो लिखते हैं कि मुझे एक चीनी ताजर ने बताया कि मुसलमान ताजर जब भी मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स पे इंटरनेशनल ब्रांड्स के लेबल लगा दो, यानी बदकिरदार तरीन हमारी जो हमने ऑर्डर दिया उस पे इंटरनेशनल पॉपुलर ब्रांड्स के लेबल लगा दो। वो कहता है जी उसके बाद जब मैंने खाना ऑफर करता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं ये हराम है, हमने हलाल खाना है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या इनके मजहब में जालसाजी हलाल है। ये है असल औकात और ये सजा है जुर्म ज़ईफी, उस जुर्म की सजा है। कमाल देखें आप, जिन मुसलमान मुल्कों को बेतहाशा पैसा अल्लाह पाक ने तेल की सूरत में दे दिया, कमाल ये है वो तेल भी निकालने वाले वही लोग हैं जिनके साथ हमारा एक कंपटीशन है। क्या मुसलमान की मेराज ये है कि आप बुर्ज बनाएं या आप बड़े बड़े कोई पैलेसेस या बिल्डिंग्स या बड़ा कोई आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हाउसेस ऑफ कार्ड्स हैं, ये ताश के पत्तों के महल हैं। कल कला जब तेल ख़त्म हो जाएगा उसके 20-30-40-50 साल बाद, कमाल है इतना कुछ करने के बाद ना कोई बड़ा साइंसदान पैदा कर सके अपना किसी भी फील्ड का, ना को बड़ा शायर, ना को बड़ा अदीब, ना को बड़ा मुफक्कर, ना को बड़ा मुसव्वर। ये तो हाल है हम लोगों का। तो कदम कदम पे आज किन लोगों के मकरूज हैं आप, कौन लोग हैं जो आपको टर्म्स डिक्टेट करा रहे हैं? तो ऐसे में जो अपने पैरों पे नहीं खड़ा वो किसी और को क्या सहारा देगा। पाकिस्तान में जिस फोहश ड्रामे दिखाए जा रहे हैं आप इस पे क्या कहेंगे? ड्रामा चीजें अच्छी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल होता है। सबसे अहम बात ये है अगर आपका टाइप नहीं है तो यू स्विच इट ऑफ, चूंकि ऑप्शन है ना जी, गन पॉइंट पे तो कोई नहीं मुझे बिठा के दिखा रहा ना। और कमाल की बात है पोर्नो साइट्स देखने में नंबर वन लोग हैं हम। मैं कहता हूँ सारे किसके कमाल आते हैं, कपड़े पहने हुए इनको शर्म नहीं आती। आज चरखा कात के आप 19 करोड़ का बदन नहीं ढांप सकते। ये टोयोटा और सुल्जर ये जो मशीन बनी थी ना पहली पावर लूम, ये भी मगरबी है। ओए मशरकी, मशरकी है क्या? मुझे एक सवाल का जवाब दें आप और हमारे व्यूअर्स। जब पहला एम्बुलेंस बनी नौ इंसान की तारीख में और पहला फायर ब्रिगेड, उस वक्त इंजन इजाद नहीं हुआ था, वो बना था बगियों पे आग बुझाओ तेजी से वहाँ रेस्क्यू। या तो ये है ना कि इंजन इजाद हुआ तो ये चीजें बनी, फिर तो समझ आती जिन्होंने इंजन बनाया उन्होंने, हमने क्यों नहीं कर लिया? वो सोच नहीं है। आपने मेरी और मैंने आपकी गर्दन काटनी है उसके लिए तो हमने वो चैरियट और ये वो इस्तेमाल कर, नहीं है, नहीं, this is something missing. हमें कोई और डोज को टीका ही और तरह के लगाए जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि गुज़श्ता 70-72 साल में हाजियों की तादाद कैलकुलेट करें हम तो करोड़ों में होगी। अल हाज जिन्होंने एक से ज़्यादा हज किए होते हैं वो भी माशाल्लाह करोड़ों में होंगे। उम्रा करने वाले लातादाद हैं जिन्होंने लातादाद उम्रे किए हैं, इन्हें गिनना मुमकिन नहीं है। मैं उनमें शामिल हूँ, मैंने बहुत किए। मसाजिद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरी होती हैं, जुमे के रोज़ कई जगह पे आप देखते हो सड़कों के ऊपर सफ़ें बिछी होती हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। जहाँ मैं गलत हूँ प्लीज़ करेक्ट मी। राइट। अच्छा, औलिया और सूफिया के मज़ार माशाल्लाह चश्मे बदूर, मुल्तान को तो कहते ही मदीना तो लौलिया, कसूर देख लो लाहौर में देखो, फिर दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया, मैंने वहाँ भी हाज़िरी दी है, वहाँ साद ही गालिब का भी है। अब तस्वीर का दूसरा रुख लेते हैं। 7 करोड़ से ज़्यादा हमारा हम वतन भाई बहन खत गुरबत में हैं, जिसका मतलब है पेट भर के रोटी अवेलेबल। बेरोजगारी आपकी अरूज में है, पता नहीं लाखों क्वालिफाइड सो कॉल्ड बच्चे भी, 1,066 बच्चे मर जाते हैं, 1,580 मरीजों के लिए एक बेड है, 6,325 अफराद के लिए एक डॉक्टर है। अच्छा, अनफॉर्चुनेट। कराची से लेकर लाहौर तक लोगों को, आम लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। अब चलते वेस्ट की तरफ, जो बेरहरबी का शिकार नंगे फिरते हैं, दीन से दूर। दीन तो खैर उनका है नहीं, दीन तो सिर्फ इस्लाम है, मजहब से उनके चर्च मोस्टली स्कैंडिनेविया में तो वैसे ही ताले लगे ना, वो ये बातें करते हैं, हुलिये बुहाल उनके देख लो, उनका कल्चर देख लो, उनका उनकी अखलाकियात, लेकिन वो दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं।
अब ये मेरा सवाल है कि सारी बरकतें, सारी रूहानियत, इधर इबादत, नतीजा ये, उधर कुछ भी नहीं नतीजा वो, जबकि ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? हम कहाँ नाकाम हो रहे हैं, हम कहाँ फेल हो रहे हैं? उसकी वजह है, मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल के इस पे ब्रेनस्टॉर्म करें। भाइयों और बहनों, आपने इन वीडियो क्लिप्स को देखा, हसन निसार साहब एक बहुत बड़े माने जाने जर्नलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं इस वीडियोस में आप अंदाजा लगा लें। मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं देने की जरूरत है, इसीलिए क्योंकि अगर मैं बोलता तो शायद आप यकीन नहीं करते। इसके अलावा मैं इस पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पूरे दुनिया के अंदर जहां पे मुसलमान हैं वहां पे मजहबी लड़ाइयां हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि क्राइम्स नहीं है, हम क्राइम्स की बात नहीं कर रहे, हम मजहबी लड़ाइयों की बात कर रहे हैं। मजहब पे लड़ना, मजहब पे मारना, मजहब पे गाली गलोच करना, मजहब पे ये सारा और ठेकेदारी इस्लाम के ऊपर है, क्योंकि वो टीचिंग ही ऐसी इस्लाम की। अब आप पूरे अरब को देख लें, जिसमें सऊदी अरेबिया को देख लें, कुवैत को देख लें, जिनके पास पैसा है वो सिर्फ अमेरिका के मोहताज हैं, उनको इनकी ज़रूरत है। तो बहनों और भाइयों, पूरा इस्लाम, पूरे दुनिया में इस्लाम हमेशा प्रॉब्लम में रहा है। अब आप इसराइल को देखें, उनके पास कितनी ब्लेसिंग है, वो छोटी सी कौम है लेकिन पूरी दुनिया में छाई हुई है। उनको बरकतें देखें, कितनी सारी बरकतें मिली हैं। अमेरिका तक उनके साथ रहना चाहता है, अमेरिका इवन वर्ल्ड पावर है, लेकिन इसराइल के बगैर वो नहीं चल सकता। अक्सर लोग कहते हैं अमेरिका जो इसराइल की फेवर में है, इसराइल की फेवर में इसलिए है कि इसराइल के पास कुछ है, सारी नई इजाद या टेक्नोलॉजी, हर चीज उनके पास है। अगर आप गूगल सर्च करें तो जितनी टेक्नोलॉजी या किसी चीज में कोई अगर कंट्री आगे है तो वो इसराइल ही है। और वो इसलिए है कि उस खुदावन ने, जो इब्राहिम, आइजक और इसराइल का खुदा है, उसने उनके साथ वादा किया हुआ है और वो वादा सच्चा है। आप देख सकते हैं, अगर ब्लेसिंग की नज़र से देखें तो जो अल्लाह की प्रॉमिस था मोहम्मद के साथ शुरू से लेकर आज तक नहीं हुआ, और जो इसराइल का वादा है वो खुदा का, वो पूरे होते चले आ रहे हैं और हो रहे हैं। तो जो वादा अल्लाह ने मोहम्मद के साथ किया था वो सही नहीं है। अल्लाह खुदा नहीं है। अगर अल्लाह खुदा होता तो आज ऑपोजिट होता, आज मुसलमान कौम जो होती है पूरी दुनिया में वो होल्ड करती। हसन निसार साहब ने मिसाल बहुत अच्छी दी है, बोगी वाली, घोड़े या बग्घी वगैरह सब मुसलमानों के पास थी, लेकिन उनके पास ये नहीं था। वो खुदावन ने अपनी कौम को दिया। इस्लाम के पास क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बोलने तक है। तो बहनों और भाइयों, इससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि निसार साहब बोलते हैं कि हम सबको एक होकर इस सवाल का जवाब देखना कि कहां पर हम गलत हैं। आप लोग गलत नहीं हो, आप लोग सिर्फ इस बात पे गलत हो क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हो कुरान, मोहम्मद और अल्लाह पे, जो तीनों एक ही कड़ी है, लेकिन वो हकीकत नहीं है, वो सब झूठ पर है। इसमें मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, आप खुद सोचें। अल्लाह अगर दुनिया का मालिक होता तो आपकी कौम जो मोहम्मद साहब के साथ वादा किया था वो इस तरह परेशानियों में और दूसरे पे डिपेंड ना करती। सारी मुसलमान कंट्री, बेशक वो आप पाकिस्तान को ले लें, अरब को ले लें, जो सारी मेन मुसलमान कंट्री हैं वो इसराइल से मदद मांगते हैं, अमेरिका से मदद मांगते हैं। अब कुछ मुसलमान कंट्री हैं जैसे टर्की है और ईरान है, वो सिर्फ लड़ने और झगड़ने के लिए हैं। वो ये बोलते हैं इसराइल को हम ख़त्म कर देंगे, ना ही हुआ है और ना ही होगा। और वो सिर्फ मगरिबों के लिए नहीं बल्कि अपने मशरिक मुल्कों के लिए भी, इस्लामिक कंट्रियों के लिए भी वो थ्रेट है। तो बहनों और भाइयों, अल्लाह ना तो कोई खुदा है, मोहम्मद कोई प्रॉफिट नहीं है और कुरान कोई सुमानी किताब नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जहन जरूर इस बात के लिए सोचेगा आया कि क्यों इस्लाम पीछे है, सिर्फ वो बातों तक ही है, क्योंकि सब घड़ी घड़ाई बातों पे वो डिपेंड करते हैं। और बहनों और भाइयों, ट्राई करें कि किसी मौलवी से या स्कॉलर से, दीनी टीचर है, आप उससे इस तरह के क्वेश्चन आंसर करें। यकीन दिलाता हूँ कि वो आपसे भागेगा और आपको ये बोलेगा आप बहुत ज्यादा काफिरों के साथ बैठ रहे हो और आप काफिर हो गए हो और काफिर हो जाओगे, उनके साथ मत बैठो। उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो इस तरीके में इस बात को खत्म कर देते हैं कि वो आपको गलत ठहराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है और इसके बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाइयों और बहनों, मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को ये वीडियो हर्ट कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि इस्लाम एक कल्ट है, तलवार के बेस पर आया है। और मैं हर मुसलमान से पूछता हूँ कि इस स्टोरी का एंड क्या है, आखिर क्या हुआ? आया मोहम्मद, मौत का फरिश्ता उसे ले गया या नहीं लेके गया?
मेरा व्यू ये है कि आपको इसका एंड है ही नहीं, क्योंकि स्टोरी है और ना ही ये कभी हकीकत में हुआ है। जिन्होंने भी ये वीडियो बनाई है या स्टोरी बनाई है उसको एंड का पता नहीं था। हम आपके जवाब के मुंतजर रहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बाइबल और कुरान चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।